नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर जो नियोजित शिक्षकों से संबंधित है। जी हाँ, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में शिक्षकों की हड़ताल 64वें दिन भी जारी रही। संयोजक बृजनंदन शर्मा, महासचिव मंडल के सदस्य नागेंद्र नाथ शर्मा, मीडिया प्रभारी मनोज कुमार आदि ने कहा कि अब तक कुल 53 शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है, परंतु बिहार सरकार शिक्षकों की मृत्यु पर उदासीन बनी हुई है और उल्टे शिक्षकों पर ही आरोप मढ़ा जा रहा है कि वो देश हित और राजहित में अपना हड़ताल वापस ले ले। अब बड़ा प्रश्न यह है कि किस वजह से शिक्षक हड़ताल पर है, इसके लिए सरकार कहीं से जिम्मेवारी नहीं ले रही है। बस राज्य सरकार का यह आरोप है कि नियोजित शिक्षक हड़ताल से सीधे वापस हो जाए और लॉकडाउन के बाद उनसे वार्ता की गुंजाइश बनेगी। राज्य सरकार सिर्फ नियोजित शिक्षकों पर आरोप लगा रही है कि आप हड़ताल से वापस हो जाए। साहब, शिक्षक हड़ताल से वापस हो जाएंगे, बस आप उनकी मांगों को मान लीजिए। आप उनकी मांगों को नहीं मान रहे हैं तो कम से कम पहले आप उनसे वार्ता तो कीजिए। वार्ता करने के लिए आपको सबों शिक्षकों के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ चुनिंदा जो अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष सचिव हैं समन्वय समिति के, उनसे आप संपर्क स्थापित करके उनकी क्या योजना है, उनकी क्या मांग है, उस पर विचार विमर्श करके आप हड़ताल तुड़वा सकते हैं। ऐसे में लग नहीं रहा है कि अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे नियोजित शिक्षक बिना वार्ता किए वापस आएंगे। अब इस विकट परिस्थिति में दिनों दिन शिक्षकों की शहादत होती जा रही है, लेकिन राज्य सरकार निष्ठुर बैठी हुई है। राज्य सरकार सिर्फ कोरोना का रोना रो रही है और नियोजित शिक्षकों के साथ जो समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, उस पर सरकार की कहीं से कोई ध्यान नहीं है। इसी बाबत टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक अमित विक्रम ने भी कहा कि शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा शिक्षकों को लगातार गुमराह कर रहे हैं। एक तरफ वह बयान देते हैं कि शिक्षक समाज और इस राज्य के धरोहर हैं, वह सरकार उनके विषय में चिंतित है, दूसरी ओर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले शिक्षकों पर FIR और निलंबन की कार्रवाई की जाती है। पिछले 2 दिनों में मुंगेर के 96 शिक्षकों को निलंबन करने का आदेश निर्गत किया गया है, जो कतई वाजिब नहीं है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। इससे संबंधित तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।